नमो अहंकारम नमो सिद्धारम नमो आर्यानम नमो अध्यायानम नमो द्वये सवसाहुम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदे संदृष्ट सिद्धार्थम संदृष्ट सप्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोत्सवमंगलम सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतुशासनम मंगलमय मंगलकरण विकराग विज्ञान नमोकाय आत्मभि अरहंताय महा अबर्गाय भव्यानाम शुद्धि स्वात्मने पुनः पक्षे नियम सारस्य वचन तात्पर्य संग्रह संयम नियम तवीण धम्म ध्यानेन सुख ध्यानेन जो ध्याय अपानम परम समाही हवि तस्य नियम साजी का परम समाधि अधिकार समाधि प्रकट करने के लिए है, जीवन को शांतिमय बनाने के लिए है, जीवन में शांतता से रह सकें, हमारा चित्त शांत रहे और शांतिपूर्वक ही देह छूटे। और ये तब संभव है जब देह और आत्मा का भेद ज्ञान हो, देह से भिन्न आत्मा में हूं ऐसा भेद ज्ञान होने पर ही समाधि संभव है। समाधि साध्य है तो शुद्ध आत्मा देह है, समाधि प्रकट करने योग्य है तो शुद्ध आत्मा ध्यान करने योग्य है, श्रद्धान योग्य है, जानने योग्य है, ध्याने योग्य है। समस्त नियम संयम तप आत्मस्वरूप को ध्याने के लिए हैं। केवल एक दो बाहर के नियम ले लिए, बाहर की क्रियाएं कर ली या आगम के अनुकूल निर्दोष संयम पा लिया, इतने मात्र से कार्य सिद्धि नहीं है। टोटेमल जी कहते हैं, जो जिन वचनों को सुनते हैं सुहाते हैं जिन वचन जिन्हें बुद्धि की मंदता से कुछ विशेष समझ नहीं पाते कि क्या है इनका अभिप्राय, उन्हें विशेष कार्य सिद्धि नहीं होती, मन मोक्ष मार्ग नहीं होता। इन क्रियाओं के भीतर जितना भाव जुड़ा है, जितना आत्मा है, उतना ही संयम समझना, वही नियम समझना। पद्म पुराण जी में राजा ने जब मुंडाज से प्रश्न किया कि यहां बैठे बैठे क्या करते हो आप, कैसे मन लगता है, तब मुनराज ने राजा को भव्य जान करके एक बात कही, ये भव्य जिसके मोक्ष मार्ग के कारण रूप एक हो नियम नाही ताके जीवन को धिक्कार है। मोक्ष मार्ग का पहला नियम है सम्यक श्रद्धा, मोक्ष मार्ग का पहला नियम है सम्यक श्रद्धा, तुम देव सास गुरु के श्रद्धा का श्रद्धान करो। वितरागी देव सास गुरु ही हमारे विघ्नों को दूर करने वाले हैं, आपदाओं को दूर करने वाले हैं,
और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में यही निमित्त है। क्या शब्द लिखा? मोक्ष मार्ग के कारण रूप नियम, माने नियम पर्याप्त नहीं है, कैसा नियम होना चाहिए, इसी मोक्ष मार्ग में कारण बने। हमें अपने नियम को मोक्ष मार्ग का निमित्त बनाना चाहिए। हम तो दो बार खाते हैं, नियम कर लिया हमने, ठीक है। तो बार बार खाने की जो वृत्ति है वह टूटे और मोक्ष मार्ग में लगे, आत्मा को ध्यान, उससे दो लाभ होंगे। एक तो बार बार खाने में जो वृत्ति जाती है उससे पाप बंद होता है, आकुलता होती है, चित्त चंचल होता है, तो वो चित्त की चंचलता मिटेगी, पाप बंद मिटेगा। और दो बार खाते हैं और क्षण क्षण ध्याते हैं, हाँ, बाद बाकी टाइम में क्या करो? जो दिन भर खाते पीते रहते हुए तो अपने अब ये खा लो, अब ये खाओ, अब ये खाओ, अब ये खाओ, अब ये खाओ, अब ये एक बार खाते हैं तो अब बाद बाकी टाइम क्या करो? निरंतर अपने आत्म स्वरूप को ध्याते हैं। हमने तो व्यापार का त्याग कर दिया, नियम दे दिया, व्यापार का त्याग किया तो आप शुद्धोपयोग का व्यापार तो करो। अभी तक तुम ये बाहर के व्यापार में उलझे थे, अब तुमने बाहर के व्यापार का त्याग कर दिया, घटा दिया, तो अब यहां तो बढ़ो। यहां नहीं बढ़े तो क्या मतलब निकला व्यापार का त्याग कर दिया? मतलब ये है हमारे नियम ऐसी मोक्ष मार्ग को लक्ष्य में लेकर के होना चाहिए, मोक्ष मार्ग की वृद्धि के लिए होना चाहिए। हम रात्रि में भोजन नहीं करते, नियम ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अब रात्रि में स्वाध्याय करो, ध्यान करो, भक्ति करो, प्रतिक्रमण करो, आलोचना करो, कुछ माने ये थोड़ी है रात्रि में भोजन नहीं करती। अरे भोजन तो नहीं करती ये तो ठीक है, लेकिन करते क्या है ये तो बताओ। बैठ जाते हैं, बैठे बैठे गप्पे ठोंकते हैं और 10 बजे फिर सो जाते, 12 बजे तक टीवी देखते रहते फिर सो जाते। तो रात्रि भोजन का त्याग एक नियम तो तुम्हारा हुआ, लेकिन उस वो नियम तुम्हारा मोक्ष मार्ग का निमित्त कहां बना? पानी छान करके काम में लेते हम तो पानी छान करके काम लेते, ये तो ठीक है नियम तुमने बना दिया, मोटा सा नियम है, लेकिन पानी छानते समय ये तो देखो, देखो कितने जीव अपने को समझे बिना जलकाय में जन्म ले लिया। कस बन गए था पर कितने जीव संगी नहीं बन पा रहे, उन जीवों की विराधना, उन जीवों की विराधना न हो और उन जीवों की उस दशा को विराधना का फल जान करके अपने जीवन में जीवत्व की विराधना न हो, तब तो तुम्हारा पानी छानना ठीक है। और नहीं तो वैज्ञानिक लोग फिल्टर कर देते हैं, इतना मोटा छानना लगा दे, टप 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 आरो आरो करते एक एक बूंद टपकता रहता है, दिन भर यही होता रहता है, लेकिन काय के लिए? स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए, बीमारी के कीटाणु बचाने के लिए, उन कीटाणुओं की रक्षा का भाव नहीं है, वो हमारे लिए हानिकारक ना हो, यहां बस मर जाए हमें क्या लेना देना। मैंने परिणामों में कोमलता कहां है,
हमने भी छन्ना लगाया, पानी छाना नहीं, जो भी अपनी आदत पड़ गई तो कर दिया, बस खत्म। विचार तो करो, नियम नियमेण अपानम जाए, इन नियमों के माध्यम से आत्मा को तो ध्याओ। जिन भक्ति के माध्यम से अपना वैराग्य बढ़ाओ, अगर अपने में कुछ नहीं हुआ कैसा का तैसा, बस अभिमान और हो गया, बढ़िया हमने गा लिया, तो तुम्हारी जिन भक्ति कहां आई? जितेंद्रिय होने की भावना तो भावो, अतिंद्रिय रस का स्वाद तो पहचानो, इन भगवंतों का स्वरूप और भगवंतों के समान अपना स्वरूप चिंतवन में तो लाओ, विचार तो करो। कुछ नहीं, हमारी क्रिया शुष्क सी हो गई, रूढ़ी की हो गई, बस खत्म मामला, नियम हमने ले लिया। और एक इस काल में तो और जा रहे विडम्बना, अपने मनगढ़ंत अपने मन के नियम ले लेते हर आदमी, तुम्हारे क्या नियम, तुम्हारे मन में आसो, तुमने लिया इनके मन में आसो, इन्होंने लिया इनके मन में आसो, इन्होंने लिया। आगम के अनुकूल नियम पालने की गरज नहीं है, अपने मनमाने दो चार नियम अलग से ले लिए और बस अलग से अपने को समझ बैठे हम कछ द्वारा। उन नियमों के बल पर अब हम अच्छा शब्द नहीं कहें, हां कर रहे, ऐसा करो ऐसा करो, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हमारे लिए ये लाओ, ये बाहरी विडम्बना है। जो मोक्ष मार्ग के अनुकूल नहीं है, आगम के अनुकूल नहीं है, ऐसे नियम अज्ञान में और अभिमान में लिए जाते, एक व्यक्ति से कहा सुनो भैया कुछ नियम तो ले लो, देव दर्शन वगैरह को, महाराज हमारा तो नियम, हम कोई नियम नहीं लेते, और बड़े अभिमान अपन पे जीवनता है, तो करते हैं अहंकार, अपन कोई नियम नहीं देते, क्या कब टूट जाए, कब बन जाए, क्या हो जाए, हो जाओ, बस ऐसी बातें बनाए, न जाने कैसा उदय आए, प्रतिज्ञा भंग हो जाए तो बहुत दोष लगेगा। अरे भंग हो जाए तो बहुत दोष नहीं लगेगा, भंग करे तो बहुत दोष लगेगा, हो जाए तो प्रायश्चित विधि है उसके लिए। अरे बीमार हो जाए उसके लिए तो इलाज है, लेकिन जानबूझ करके जहर खाए तो क्या कर। आत्मघात का मुकदमा उसको लगेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा वहां, जो जानबूझ करके जहर खा। अरे जानबूझ करके जहर खा रहे हैं उनके ऊपर तो तुम्हें दया आ रही है, क्रोध आ रहा है, और तुम जानबूझ करके जहर पिए, विषय हलाहल बहुत किया है, ये जानबूझ करके स्वच्छता का जहर पी रहे, जानबूझ करके प्रमादी हो रहे, जानबूझ के अंध भयो है लोचन बांधी पाटी, मैंने जानबूझ करके तो अंध बने हैं और जानबूझ करके ही स्वच्छंद हुए हैं, हमसे नहीं पड़ता, हमसे नहीं होता। तो तुम्हारे भाव कभी निर्मल भी नहीं होंगे, ध्यान रखना ये लिखा। अगर भावों की निर्मलता की तुम्हें अभिलाषा है, तुम सोचते हो तुम्हारी परिणति में कुछ विशुद्धता है, तो गुरुओं का अनुशासन, स्वयं का विवेक और गुणीजनों की संगति, अचेतन कर्म तुम्हारी मजबूरी को नहीं समझे, क्या करें,
सब मजबूरी है, मजबूरी है। मजबूर नहीं, मजबूत बनो भाई, तत्व ज्ञान का अभ्यास करो। कौन सी मजबूरी बताओ? अब जाने कहां कहां की बातें लगा देंगे। आचार्य कुंड कुंड सोनी कह रहे भैया, संयमेण अपानम ध्यायेण, संयमेण अपानम ध्यायेण, संयम के द्वारा संयम धारण करने के बाद भी यदि आत्मा को नहीं ध्याया तो तुमने किया क्या? तुम्हें कार्य सिद्धि क्या हुई? केवल ख्याति लाभ के लिए, कुछ पुण्यवंद करने के लिए, अपना रोग काटने के लिए, प्रभाव बढ़ाने के लिए बस संयम तुमने ले लिया। संयम कोई वेश नहीं है, संयम किसी अकेली एक शुष्क क्रिया का नाम नहीं है, संयम काय का नाम है। समस्त इंद्रियों के व्यापार का परित्याग। इंद्रियों का व्यापार क्या होता है? इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का व्यापार करता है। इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का व्यापार करता है। आंख का व्यापार क्या होता है? आंख क्या दुकान चलाती है कुछ? अरे आंख का व्यापार क्या है? आंख के माध्यम से जीव रंग रूप को जानता रहता है। अब उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना की, शुभ और अशुभ की भावों से मेरा व्यापार चला करता जी। व्यापार आंखों के माध्यम से पर को जानने में न लगे, कान के माध्यम से पर दुनिया की बातों सुनने में न लगा रहे, उसी को मत सुनते रहो। ये बड़ी बीमारी है। हेलो हेलो, अरे तुम्हारे हाथों में जिनवाणी शोभती है भैया, इस कलंक को कलंक समझो। ये कोई बड़ेपन का लक्षण नहीं है, ये कोई समझदारी के लक्षण नहीं है। विचार करो, लगे देखने में सुनने में, इंद्रियों के व्यापार तो करेगी और क्या व्यापार बताओ? बस आप जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। अरे विलासता है ज्यादा, जरूरी बहुत कम है। क्या जरूरी है? जरूरी तो ये है, ये भेद ज्ञान रखा जाए। लेकिन लौकिक जीवन में भी जरूरी कितना और विलासता कितनी? संयम के द्वारा आत्मा को ध्याय, इंद्रियों के और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धि को मर्यादा में ले, फिर प्रकट प्रसिद्धि के लिए, प्रकट प्रसिद्धि के लिए आत्मा को, जिस आत्मा को हम यहां सुनते हैं, जैसे सम्यक दृष्टि विचार करता है, यहां हमारे अब शरीर छूटने का काल निकट आ गया, अब मैं यहां से जाऊंगा। जे भगवान को 20 तीर्थंकर सुनते थे और अकृत्रिम चैतन्य सुनते थे कि वहां वहां होते हैं, अब वहां जाकर के प्रत्यक्ष देखूंगा, इन आंखों से देखूंगा। और यहां आत्मा बिना आंखों के देखे, इसलिए मेरे तो हर्ष है समाधि में, मुझे क्या कष्ट है? अगर दे रहे तो रहे, नहीं रहे तो नहीं रहे, हम क्या करें? ये हमारा नियम है कि हम दे रहने पर भी दे को अपना तो नहीं मानेंगे। दे के लिए हम अपनी श्रद्धा को तो विपरीत नहीं करेंगे।
जिन नीति का उल्लंघन तो नहीं करेंगे, दे रहे तो रहे, नहीं रहे तो है, लेकिन रहे तो रहे इतना नहीं कहा, संयम पूर्वक दे रहती है तो रहे भाई, अब नहीं रहती तो हम क्या करें भाई। इतने में तुम्हें नौकरी करना है तो कर दो, आज भीड़ मची है, इतने में इतने मिलेंगे और इतना काम करना पड़ा, करना वो करो, नहीं क्या हटो यहां दूसरा देखें। मैंने हमारी मान्यता में और इस गाथा के उपदेश में क्या अंतर आया, कुछ समझ में आया? हमने तो संयम संयम के लिए, ख्याति लाभ के लिए बना रखा, या कुछ थोड़ी सी परिणामों की मंदता हो गई, जीवों की रक्षा हो गई तो संतुष्टि हो गई, बच गए भैया इतने जीव बच गए। अब तुम बच गए या नहीं बच गए? तुमने तो अपना अंश उसमें जोड़ दिया। ध्यान रखना, संयम और नियम आत्मा के लिए हैं। कोई भी नियम बनाते समय आत्मा का लक्ष्य पहले रखना, आत्मा का क्या हित होगा ये बता। हम चार जोड़ी कपड़े रखे, अब इसमें आत्मा कहां से लगेगी? कि तमाम कपड़ों को संभालते रहते थे और मन चलता रहता था, उतना उपयोग की चंचलता विकृति दूर हुई और चार में उसमें संतुष्टि हो गया, बस उसी में मन हो गया। मैंने परिग्रह के परिमाण का हमें लाभ क्या है, आत्म आराधना के लिए अवसर मिले, अवसर माने टाइम ही नहीं खाली मिले, उसमें उपयोग लगे, चंचलता मिटे बाहर। इन विषयों में मन चंचल होता है, विकृत होता है, और जिसका मन या जिसकी शक्ति, जिसकी उपयोग बुद्धि बाहर लग जाती है, विषयों में रम जाती है, वह फिर यहां नहीं रहती। यहां भी पढ़ेगा सुनेगा तो कहां नजर रहेगी विषयों पर? एक व्यक्ति प्रथमान योग का स्वाध्याय कर रहा, चक्रवर्तियों की चर्चा आ रही, तो वाह वाह वाह, मैंने ऐसे ठाट, ऐसी रानियां, ऐसा सेकंड का राज, अरे वाह, धर्म का बहुत फल है, हे वो धर्म के फल से वे स्वर्ग गए। मैंने वो उसको देख देख करके खुश होता रहता है, भोगों को और परिग्रह को। भैया स्वाध्याय कर रहा है वो, सच पूछो, स्वाध्याय कर रहा है, स्वाध्याय को करके स्व का लक्ष्य करे तब तो स्वाध्याय है। वाह, मैंने कहा वाह तुम्हारी हो रही है, स्वर्ग के वे वो सुने पड़े बस उसमें रसात, अब वो मारा, वो दुष्ट, वो फलाना, राग द्वेष की कल्पना करते रहे। इसलिए तत्वज्ञानी होकर के जो प्रथमान योग का स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें वे सर्व कथन अपने धर्माचरण के दृष्टांत रूप भाषित होते हैं। उसने अब जोंक है, क्या करे, जोंक तो जोंक, वो दूसरे दृष्ट को चूसेगी, वैसे ये तेरा तेरी बुद्धि विपरीत है, वहां देगा ये नहीं देखेगा, देखो चक्रवर्ती के पास इतना वैभव, इतना काम, इतना पसार होने पर भी कैसे भी अपने कैसे भी अपनी आराधना कर लेती है, वहां पर कैसे टाइम निकाल लेते हैं भगवंतों की भक्ति का, मुनीश्वरों के आहार दान का। बीज राख फल भोग वे धर्म है ज्यो चक्री, बीज राख फल भोग वे ज्यो किसान जगमा, त्यों चक्री सुख में मगन और धर्म बिसारे ना। अब ये बात पकड़ने की है, सो तो पकड़ेंगे नहीं,
अब क्या करें, हमारे घर काम बहुत है, हमारा व्यापार बहुत बड़ा है, सो टाइम नहीं मिलता। अरे व्यापार का टाइम घटा दो उसको, घटती जाने घटाइए। तो जितने भी संयम नियम हैं वे आत्मा की आराधना के लिए हैं, मात्र अटक जाने के लिए नहीं है। चटाई न मिले तो मन मलिन मत करना, जमीन पर बैठ जाओ। मन मलिन मत करना, निरपेक्ष त्याग नियम सार जीवन दिया, प्रश्न सार जीवन दिया। निरपेक्ष त्याग माने धन का वैभव का ये परिग्रह का त्याग, वो तो आप पढ़ते हो, लेकिन निरपेक्ष त्याग का मतलब पर से कोई प्रकार की अपेक्षा रखने का त्याग। इसको पहले जयजन करना चाहिए, इसको पहले बोलना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, इनको मानना चाहिए सबको। हम कौन अपने लिए बढ़ रहे, माने इनको क्या करना चाहिए ये जाने, और हमें वेद ज्ञान करना चाहिए, हमें ज्ञाता रहना चाहिए, हमें कर्तव्य तो नहीं लाना चाहिए, इस बात को लक्ष्य करो मुख। भाई इनको क्या करना चाहिए ये सोचो, बच्चों से ये अपेक्षा रखो कि इनको साफ सुथरा रहना चाहिए, सफाई रखना चाहिए। अरे तुम्हें गंदगी करें तो दूर करना चाहिए, स्वच्छता सिखाना चाहिए। ये बात अगर सोचो तो बने कुछ कुछ, और नहीं तो इनको क्या करना चाहिए। सो पर से अपेक्षा रखने का त्याग, और उस त्याग से कोई प्रकार की अपेक्षा नहीं रखे, मैंने त्याग का फल नहीं जाना, त्याग का फल नहीं जाना। भवसु को वांछा बहाने, अरे त्याग स्वयं आनंदमय, त्याग का क्या फल जाना। अपन सुन रही अब पढ़ रही अब अपन इसका फल क्या चाहें, अरे सुन के बढ़ते आनंद आ रहा, बस ये भले और जाना समझ में आ रहा, बस ये भले फल क्या हो? अब हम चाहें इसके बदले में हमें स्वागत सत्कार हो, कोई बुलावे, कोई पूछे, कोई आदर सत्कार करे, बढ़िया बढ़िया सब लोग हाथ जोड़े, अरे ये तो अपेक्षाएं विपरीत है। उपेक्षा संयम उत्कृष्ट संयम है, जिस संयम में पर की अपेक्षाएं रहती हैं, सच पूछो तो परमार्थ संयम नहीं कहा जाता। संयमी को अपेक्षा कायगी, ठीक है। एक गांव में थे, बहुत दिन पहले की बात है, 20-25-30 साल हो गए हो, बाबा जी भी साथ में थे। बाबा जी बोले चलो बगल के गांव में अपन को चलना है वहां। हमने कहा कोई बुलाने तो आया नहीं, कोई निमंत्रण तो दिया नहीं, तो बोले बड़ी सहायता है, बोले क्या भी उपाय निमंत्रण करने, क्या क्या बुलावा चाहिए। अरे चलो अपन दर्शन करेंगे और भी कहेंगे बैठो तो बैठ जाएंगे, नहीं बैठो तो चल लेंगे, अपन चले आएंगे। अरे हमें कहा अपेक्षा, अरे जिनेश्वर के दर्शन स्वयं आनंदमय है, अब हम और आनंद की क्या कल्पना करें। है? अब हम आनंद की, अब हमें कचौड़ी खाए हुए मिले ये कोई बात नहीं,
माने पंच इंद्रिय के विषयों की आशा जिनको नहीं रही, अपेक्षा नहीं रही, आत्मा में ऐसा संतुष्ट हुआ, सकल कर्म फल के हे कर्म रूपी विश्वच के समस्त फलों मेरे बिना भोगे खिलिया। हमें नहीं करे, हमें नहीं इंद्रादिक पद चाहिए, नियम और संयम काय के लिए है, अपने उपयोग को एकाग्र करने के लिए, बाह्य निमित्त मात्र है। वास्तविक फल इसका क्या है, आत्मा की प्राप्ति होना। और स्वाध्याय करो, दो घंटे करो, तीन घंटे करो, चार घंटे करो। अरे दो घंटे तीन घंटे चार घंटे पढ़ो का मतलब स्वाध्याय नहीं है, स्वाध्याय का मतलब है पढ़ा सुना है उसका बारंबार विचार करो, आत्मसम्मुख उपयोग लगाओ और फिर जीवन में प्रैक्टिकल का रूप प्रैक्टिकल आएगा, प्रतिकूल परिस्थितियां बनेंगी कर्म के उदय में है, अब वहां स्वाध्याय का उपयोग करो। ये तो मेरा ही उदय है, इनका तो कोई दोष नहीं, ये तो भिन्न है, मेरा तो है नहीं, ये तो भिन्न है मेरा तो है नहीं, ये तो मेरा ही भोगे मेरे द्वारा बांधे हुए कर्मों का उदय है, फल है, किसी का कोई दोष तो है नहीं। ये कोई संकलेश करने के लिए थोड़ी है, पाप का उदय पाप के पाप को त्यागने के लिए, आराधना करने के लिए, ये हमें बता रहा है कि तुम्हें आराधना नहीं। आज आंख में दर्द हो गया, अब तुरंत निगाह लगाओ, आंख से कोई पाप किया होगा, आंख के रोगों का इलाज के जिन भक्ति, कोई पाप किया होगा आंखों से, कान के कान में तकलीफ हो गई, कान से कोई पाप किया होगा, ऊंचो सुनाई देने लगो कि तुमने सुना अनसुना किया होगा, सुनी होनी सुनी काकन ने ताल टूट करी होगी उसकी, ये गांठ हो गई। अरे गांठें होंगी पेट में कुछ, मन में गांठें होंगी कुछ, तुम्हारे मोह की ग्रंथियां, मतलब सही निदान करो जिनवाणी जो सुनकर के पढ़ करके, तब तो काम बनेगा। अब जब ऐसा सोचोगे तो तुम्हारा देखो क्या होगा, मन में कोई दुर्भाव नहीं आएंगे, किसी के दोस्त नहीं दिखाई देंगे, समझ में आया, तो मन का संयम पला कि नहीं पला, और वचन में अनर्गल नहीं बोल पाओगे तो वचन का संयम हुआ कि नहीं हुआ, और काया से फिर खोटी चेष्टाएं नहीं होंगी तो काया का संयम हो गया कि नहीं। तत्व ज्ञान पूर्वक संयम होता है और तत्व ज्ञान के लिए ही संयम है कि महाराज सुख के सुख स्वयं आनंद, संयम स्वयं आनंद हो, और नहीं तो अब यार लड़ाई हो जाती, हम भी कुछ कह रहे तुम भी कुछ कह रहे, आगे बात बढ़ जाती, हाथापाई पोतर आती, कम यानी क्या क्या करती। तत्व ज्ञान न होने पर जाने क्या क्या करता है, नरक जाने योग्य परिणाम तत्व ज्ञान न होने पर ही होते हैं, हरियंश जाने योग्य मायाचारी कुटिल परिणाम वक्रता तत्व ज्ञान के अभाव में ही होती है। तत्व ज्ञान के होने पर नरक त्रियंश जाने योग्य परिणाम आते नहीं, होते नहीं, इसलिए सम्यक दृष्टि नरक त्रियंश नहीं आता। पहले बन गई हो तो घटता है, पहले उसकी नरक आयु बन गई हो, मान लो नरक गति बन गई हो तो पहले नरक से नीचे नहीं उतरेगा, उसको मान लो कसाय आ भी जाए तो ऐसी कसाय नहीं आएगी, अनर्गल कसाय जो बनी रहे गांठ बांधे तो वो नीचे नहीं आएगा।
माने लौकिक दृष्टांत है, विवाह के पहले चरण छूता है, ऊपर चढ़ा फिर उतरा फिर चरण छू, विवाह के लिए आता है तो मंदिर और लौट करके आया तो मंदिर, क्यों भाई लौट करके आए तब मंदिर काहे के आए? तो लोग तो ये समझते हैं कि हमें विघ्न बाधाएं नहीं आवे, हमारी गृहस्थी अच्छी चलती है, सफल हो जाए, वे लौकिक बाधा है, लेकिन आने का संबंध लौट करके आकर के मंदिर जाने का प्रयोजन क्या है? लौट करके आकर के मंदिर जाने आने का प्रयोजन ये है, हमारी श्रद्धा निर्मल बनी रहे, हमारा उपयोग प्रतिकूलताओं से घबरा कर या गृहस्थी के दस इंद्रिय सुख के लोभ से, बच्चों के लोभ से, व्यापार के लोभ से, पैसा के लोभ से, भोगों के लोभ से कहीं मिथ्यात्म में न चला जा। आदर्श तो यही है, आदर्श तो यही है, ये गृहस्थों की भावना है। कब समता उनमें लाकर, ये गृहस्थों की भावना है, मुंदाज की भावना बाद में, पहले ग्रस्त बाह रही है बात। हमारे मन में दुर्भाव न होवे, विषयों की आसक्तता न होवे, ये छवि हमारे हृदय में बसी रहे, ये छवि वितरालता हमारे हृदय में बसी रहे। हृदय में बसी रहे का हृदय तो थोड़ी ऐसा यहाँ बसी रहेगी, ऐसे हार्ट हार्ट जिसको कह देते तुम, अरे हृदय में बसी रहे माने श्रद्धा में बनी रहे, इस मार्ग के प्रति हमें कभी अश्रद्धान न हो, इस मार्ग के प्रति हमें कभी अनुत्साह न हो, श्रद्धान अश्रद्धान न हो अनुत्साह न हो। चक्रवर्ती का प्रसंग पढ़ा है तुमने, ठीक है भले राग भरत की बस्ती बात न हो, राग को जीत पाना राग को मिटा पाना, लेकिन राग में रहते हुए भरत गौरव का अनुभव तो नहीं कर सकता, ये रख लेना, रख लेंगे हम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना तो नहीं मान सकते, रख लेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप कह रहे हो रख लो रख ले, लेकिन अपना तो नहीं मानेंगे, अपना कैसे मान है? कल कहा था होना अलग बात है अपना होना अलग बात है, होना अलग बात है इष्ट होना अलग बात है, बिना प्रयोजन की वस्तुएं तो इकट्ठी करते रहना भी बेकार है, लेकिन बिना प्रयोजन की वस्तु के बाद प्रयोजन की वस्तु अब रखी तुमने, और उसके बाद भी अब उसमें से उपाधि तो छाटो, क्यों भाई? ये झाड़ू काय के लिए, एक कचरा निकालने के लिए, हमारी जिन भक्ति काय के लिए, इस अध्याय काय के लिए, ये मन का कचरा साफ करने के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, ये कामनाओं की अभाव के लिए कामना कैसे आ गई, और भगवंतों में तो कामना नहीं आ रहे, ये कचरा साफ करेंगे, ये झाड़ू काय को रखी है, ये चौकी काय को रखी है, ये लकड़ी काय को रखी है, फिर लकड़ी इसलिए रखी है यहाँ रखी है तो इसकी जिल्द पर वजन नहीं पड़े और जिल्द टूटे नहीं, ये कोई शोभा थोड़ी है बैठी, ये काय को यहाँ क्यों रखी है? ये दबी रहे गिरे नहीं कपड़ा, भाई हवा भी चलेगी सब होगा, ये यहाँ काय को रखी ये दबी रहे इसलिए नीचे नहीं सर गए, और साथ साथ में हमारी परिणति भी दबी रहे, इधर उधर न जा आत्म के अहित विषय कसा, इनमें मेरी परिणति न जा, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हो जो निराले।
जो केवल व्यवहार में संतुष्ट हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और क्या करें? नहीं मिलने पर तो चाहते थे, और मिलने पर वो उनको उनमें मगन हो गए, और जाने पर रोने लगे, दुखी हो गए, याद कर करके दुखी हो रहे। ऐसे जीवों के लिए कह रहे भैया ये बाह्य संयम संतुष्टि के लिए नहीं, कुछ प्रयोजन है। गाड़ी में बैठ करके जाते हो, गाड़ी में बैठना थोड़ी प्रयोजन है, ये तो बाल बच्चों की बात है। हम गाड़ी में बैठ गए, हम रेलगाड़ी में बैठ गए, उसको ये लगता हम कहीं बहुत बड़े हो गए। लेकिन आपका गाड़ी में बैठना कहीं जाने के लिए है, गाड़ी में बैठने के लिए थोड़ी है कि आराम से वहां बैठेंगे, वहां अपने घूमे आएंगे, लौटे आएंगे घूमे आएंगे। नहीं, गाड़ी में बैठना गाड़ी में बैठने के लिए नहीं है, ऐसी भी व्यवहार के लिए नहीं है। आत्मस्वरूप के ध्याने के लिए है। जितना आत्मस्वरूप का ध्यान बरते उतना ही ये संयम लेना सार्थक है, और बाद बाकी विकल्पों में अटके रहे, घुलते रहे, कुड़ते रहे, मरते रहे, सड़ते रहे, और फिर बम जैसा फूट पड़ा, ये अत्यंत निंदनीय है, कलंकनीय है, कलंक है ये। कल भी कहा था हमने भैया, अगर हमारे उत्तेजना आई तो ये समझ लो कलंक है हमारे लिए। इस जिन वचन के अलावा हमारे मुंह से दूसरे वचन निकले, विपरीत वचन निकले, तो कलंक है, अपराध है। इतना ऐसा समझोगे तब जीवन बन पाए, और नहीं तो बस अपने मस्ती से बैठे रहे, क्या करने अपन को, बैठे बैठे बातें कर रहे, और फिर जाकी बुराई करने लगी, बाकी बुराई करने लगी, और कौन से सूर्य को कहूं पहुंच गए, खाने की बातें करने लगी, शोक श्रृंगार की बातें करने लगी, घूमने फिरने की बातें करने लगी, क्या कर रहे? तुम्हारी मौसी ये क्यों निकलता है? तुम्हारी मौसी ये जिनमणि क्यों नहीं निकल रही? याद करो मुख चंद्र ते हैं, अरे भीतर अमृत है तो अमृत निकल रहा है। वाणी हृदय की परिचायक है, जब तुम वाणी से कठोर बोलते हो तो तुम्हारा हृदय कितना कठोर होगा, और टटोल के देखो जब तुम कठोर वचन बोलते हो, अवज्ञा के वचन बोलते हो, अनुशासन के वचन अनुशासनहीनता के वचन बोलते हो, तब तुम्हें सामने वाले के प्रति आदर कहाँ रहता है? साधर्मी का आदर कहाँ रहता है? गुरुजनों का स्मरण कहाँ रहता है? तुम्हें आत्महित की दृष्टि कहाँ रहती है? सोचो खुद से न्याय कर लो ना। अरे लोक व्यवहार भी तुम्हें नहीं रहता, अगर ऐसा हमसे कोई बोले तो हमें कैसा लगेगा? माने घरों में या समाज में ऐसी उल्टी धारा बह गई, पहले अध्यापक के बच्चे डरते थे, अब अध्यापक बच्चों से डर रहे कि भैया व्यास जी ने शिकायत न कर दें। उसका नतीजा भैया पढ़ो नहीं पढ़ो हम क्या करें? हो गई पढ़ाई चौपट हो गई। पहले गुरुजनों से हम डरते थे, अब गुरुजन डरे, इससे बड़ी कलंक की बात क्या है? छोड़ो हम क्या करने, भटकेगा कहीं चला जाएगा तो क्या मतलब निकलो, क्या मतलब निकलो, अब कुछ कहीं नहीं बन, मतलब भटक ही रहा है, हम कुछ कर लेंगे, जैसे कोई बहुत बढ़िया बात है। हमें जिस चीज ले मिलना चाहिए, हमें न्याय हो जाना चाहिए, हमें फलाना होना, नहीं तो हम कुछ कर लेंगे,
ये ध्वंस, ये रोग काय के बल पर कर रहे हो? एक क्षण में देह छूट जाती, आय पूरी होने पर, आय पूरी नहीं होने पर नहीं छूटती। तुम्हारे हद की बात है, तुम हम कुछ कर लेंगे, तुम करके बताओ क्या करोगे, हम फांसी लगा लेंगे अभियान। और इतनी कथा चीप हो गई, वो फांसी लगा लेती, लेकिन फांसी कैसे लगा सकती है? उसी समय में अगर कोई आ जाए और देख ली बे या नहीं होते है, वो जर लगे, फांसी लगा पाएगी? बिल्कुल नहीं लगा सकती। विचार करो, चुनाव जब भाई कुएं में गिरने पहुंच गई विधवा, जब वैधव्य दशा हो गई तो कुएं में गिरने पहुंच गई, अब जिंदगी कैसे कटेगी, अब क्या करें? और फिर होश आ गया, समझ आ गई, भाई आ गया, सावधान हो गई, धर्म मार्ग में लग गई। हम कुछ कर लेंगे, सोचो विचार करो, क्या कर रोगे तुम? आत्महत करके बताओ तो हमें मालूम। स्वपर कल्याणकारी हो, वही कार्य उत्तम कार्य माना जाता है, तो स्वपर कल्याण की बातें सोचो कुछ। महा दुर्लभता से मनुष्य भव मिला, जैन कुल मिला, जिनवाणी मिली, अच्छी बातें सोचो भाई, सच्ची बातें सोचो। ज्ञानात अन्यत करोत किम, ये सोचो ज्ञान के अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं। समता से सहन करना सीखो, अनुकूल प्रतिकूलताओं को अपने कर्म का फल जान करके सहन, समता से सहन करना सीखो, तब अपना हित कर पाओगे, और नहीं तो अपना हित नहीं कर पाओगे। और ध्यान होगा तुम्हें, हम मर जाएंगे, अरे मर नहीं जाओगे, कुमरण हो जाएगा, मर नहीं आओगे। मरण तो उसका होता है, सच पूछो, जिसकी इच्छाएं मर गई, कथाएं मर गई, मोह मर गया। और जिन जो इच्छाओं के बसीभूत है, हैं मोह के बसीभूत है, उसका कुमरण होता है, मर भी नहीं पाओगे शांति से। अगर गुरुजनों की अवज्ञा करोगे, तत्व की विराधना करोगे, विपरीत विचार करोगे, तो शांति से जीना तो बहुत दूर की बात है, शांति से मर भी नहीं सकते। देह भी शांति से नहीं छूटेगी, इधर देह छूट रही होगी, उधर कितना संकेत, कितनी वेदना हो रही होगी। देह स्वरूप तुम्हारे लिए सामने रख दिया, प्रयोजन रखा, संयम का प्रयोजन क्या है, नियम का प्रयोजन क्या है, तप का प्रयोजन क्या है, अनशन कर दिया हमने, आज अनशन है, आज विनोदय है, आज स्पर्श त्याग है, अमूल रसी का त्याग है, क्यों रूढ़ी में चलते हो? अनशन करके अगर असन नहीं किया, धर्मावसन नहीं, धर्म हाँ, श्रावकाचार में लिखा है, उपवास के दिन जो श्रावक है वह धर्मामृत को पिए और पिलाए, धर्मामृत से तृप्त रहे, तब अनशन होगा, रोटी छोड़ने से नहीं हो जाएगा। थोड़ा भोजन कम करो, तो भोजन कम करो माने प्रमाद नहीं आए और आत्माराधन में हित उपयोग लगे। आत्मा के रस में इतने तृप्त रहो कि बाहर के रसों से उदासी हो, रस नीरस हो जाए तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे, उद्गल प्रीत न सावे, जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न स्वावे, तब वो रस प्रत्याग तब कहने में आएगा। भाई निरूपण दो प्रकार से है कि वस्तु दो प्रकार की है, आप अतिंद्रिय से पंच इंद्रिय, तो निरूपण दो प्रकार से है, स्वभाव से देखें तो अतिंद्रिय है और शरीर को देखें तो पंचेंद्रिय है।
मिथ्या संतोष का परिहार करके एक उत्साह और प्रसार से जगाया। कछुआ की चाल चलो लेकिन लक्ष्य तक तो पहुंचो, खरगोश की चाल है बीच में ही सो गया, कहां पहुंचेगा? नरभव की बाजी हारेगा। जो संयम नियम तप के द्वारा, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के द्वारा भी अपने आत्मस्वरूप को नहीं ध्याता, वह जीव शून्य है, मोक्ष मार्ग को नहीं प्राप्त करता, परम समाधि को प्राप्त नहीं होता। परम समाधि को प्राप्त कौन होगा? चित्त शांत किसका होगा? आलाद प्रसन्नता किसको आएगी? जो अपने आत्मस्वरूप को ध्याएगा। संयम के, नियम के और क्या नाम तप के, ध्यान के भेदों को विचार करके उन भेदों में किस प्रकार हम आत्मस्वरूप को ध्याएं, ऐसी सोचो। आज्ञा विचार धर्म ध्यान माने भगवान की आज्ञा मान ली और मन कथा थोड़ी सी हो गई, इतना नहीं। भगवान की आज्ञा है तुम अपने को दिए मत मानो, पर के कर्ता मत बनो। भगवान की आज्ञा तो ये है कि कर्ता बनना और इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना, ये कहां की भगवान की आज्ञा है? अब जब भगवान की आज्ञा के विरुद्ध आचरण है तो धर्म आज्ञा विषय धर्म ज्ञान कहां से हो जाए? इसका निमेश कहां करें हम? अपने उपयोग का उपयोगी धन है, निवेश कहां करें? जहां उपयोग सुरक्षित रहे और निर्मल हो जाए, शुद्ध उपयोग हो जाए, आत्मा में निवेश करो। और नहीं तो लोभ लालच से बस विपरीत निवेश कर बैठे तो क्या होगा? पूंजी खो जाओगे, ऐसे तुम्हारा असोपयोग होकर के चले जाओगे। सन लगे रहोगे, तुम उसे सफलता मानते रहोगे, तुम अपनी उन्नति मानते रहोगे और हो रही है अवनति, और चलता रहेगा पुण्य के उदय में डर्रा। और जिस क्षण एक उस पाप का उदय आया, बस उसी क्षण अब का पर विचारना। सहजानंदी शोध करूपी अविनाशी में आत्म करूनंदी शोध करूपी अविनाशी में आत्म करूनंदी।